हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का। सेक्शन 24 कहता है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो सेक्शन 24 कहता है कि आपातकालीन भरण पोषण और कार्रवाइयों के खर्चे, इट मीन्स जो हिंदू मैरिज से रिलेटेड किसी तरह का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें मेंटेनेंस, अगर पत्नी है या पति है उसके मेंटेनेंस और जो उस कार्रवाई में, उस प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो खर्चे हो रहे हैं उसको कौन देगा, इसका प्रोविजन इस सेक्शन में किया गया है कि जहाँ की इस एक्ट के अधीन किसी कार्रवाई में न्यायालय को यह दिखता है, यह प्रतीत होता है कि अपने पालन या कार्रवाई के आवश्यक खर्चों के लिए जैसी भी स्थिति हो, पति या पत्नी की अपनी कोई पर्याप्त आय नहीं है, एक पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, उसकी पर्सनल कोई आय नहीं है पति या पत्नी की, वहां पति या पत्नी के आवेदन पर, पति भी आवेदन कर सकता है या पत्नी भी कर सकती है, कि आवेदन पर जो रेस्पोंडेंट है या रेस्पोंडेंट जो लड़का है या लड़की है, चाहे रेस्पोंडेंट प्रत्युत्तर दाता है या प्रत्युत्तर दात्री है, को आदेश दे सकेगा कि वह याचिका दात्री की या याचिका दाता की कार्रवाई में होने वाले खर्चों को दे और जो राशि याचिका दाता या याचिका दात्री की अपनी आय या रेस्पोंडेंट की आय को ध्यान में रखकर न्यायालय को उचित लगे वह राशि कार्रवाई के दौरान प्रति मास दे, हर महीने की आय उसके खर्चे और जो मेंटेनेंस है वो दे। परंतु यह कि जहां बाती कार्रवाई में जो खर्चे हैं या ऐसी मासिक योग के विषय में बात प्रस्तुत किया गया हो जो बात की कार्रवाई की अवधि से संबंधित हो, वहां जहां तक संभव हो बात का निस्तारण जो है पति या पत्नी पर जैसी भी स्थिति हो, सूचना की तामील की तिथि से क्या है 60 दिन के अंदर क्या है उसको किया जाना चाहिए। यानी कि मेंटेनेंस से रिलेटेड या खर्चों से रिलेटेड कोई भी केस है तो वह 60 दिन के अंदर इसका क्या है, इस सेक्शन के तहत क्या है, इसका निपटारा किया जाना चाहिए। तो ये सेक्शन बताता है। फ्रेंड, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।